4 नवंबर 1922 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर अपनी टीम के साथ इजिप्ट की वैली ऑफ किंग नाम की जगह पर पुराने इजिप्शियन आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए खोज शुरू करते हैं। इसी एक्सकवेशन के दौरान हावर्ड की टीम तूतन खामून के मकबरे की खोज करती है, लेकिन शायद ही हावर्ड और दूसरे एक्सकवेटर्स को ये पता था कि न सिर्फ तूतन खामुन की कब्र दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी, बल्कि यही तूतन खामुन का मकबरा उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि तूतन खामुन के मकबरे की खोज के कुछ सालों के अंदर ही सभी 11 लोग जो इस एक्सकवेशन में शामिल थे उनकी मौत बड़े ही रहस्यमय अंदाज में होती है। तो आखिरकार कौन था ये किंग तूतन खामुन और क्या सच में उसका मकबरा श्रापित था? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग तूतन खामुन के रहस्य के बारे में। आज से लगभग 3000 साल पहले एयर 1332 के आसपास किंग एखनातन की मौत के बाद सिर्फ 9 साल की ही उम्र में नए फैरो बनते हैं उनके बेटे तूतन खामुन, जहाँ किंग तुत या तूतन खामुन 9 साल की जैसी कम उम्र में ही वो इजिप्ट में ट्रेडिशनल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दोबारा से रिस्टोर करने का काम करते हैं जो उनके फादर के राज में बंद कर दी गई थी। हालांकि इसके अलावा अपने 10 साल के राज में फैरो तूतन खामून ने कोई खासा काम नहीं किया, लेकिन साल 1323 BC के आसपास किंग तूत की सिर्फ 19 साल की उम्र में ही अचानक से मौत होने की वजह से उनके अस्तित्व पर काफी बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी फैरो की मौत होती थी तो उनको बड़े ही शानो शौकत से काफी आलीशान मकबरे के अंदर दफनाया जाता था। लेकिन इजिप्ट के फैरो होने के बावजूद भी किंग तूतन खामून को फौरन ही एक छोटे से मकबरे के अंदर ही दफना दिया जाता है। और तो और किसी को ये तक नहीं पता चलता कि क्या थी असली वजह तूतन खामून की मौत के पीछे। और तो और पूरे इतिहास से ही तूतन खामून का अस्तित्व हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में ही खो जाता है। लेकिन एयर 1882 में ब्रिटेन गवर्नमेंट के इजिप्ट में ऑक्यूपेशन के बाद कई एक्सकवेटर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्ट में एक्सकवेशन का काम शुरू करते हैं, ताकि ब्रिटिशर्स हमेशा की तरह ही इन एक्सकवेशन के दौरान निकले कीमती सामानों को ब्रिटेन ले जा सके। जिसके बाद इजिप्ट में कई जगहों पर ये ब्रिटिश लोग एक्सकवेशन का काम शुरू करते हैं, और जो भी कीमती सामान एक्सकवेशन के दौरान निकलता है वो लीगली इजिप्ट और ब्रिटेन के बीच डिवाइड होना था। पर कई बार ब्रिटेन सरकार एक्सकवेशन के दौरान निकले ट्रेजर को इजिप्शियन से छुपाकर ब्रिटेन ले जाती थी, और ऐसा कई दशकों तक चलता रहा। लेकिन वही 1920s के पीरियड में इंग्लैंड के लॉर्ड कार्नवन ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर को इजिप्ट में ऐसे कई एक्सकवेशन के लिए फंड करते हैं। लेकिन फिर भी इन नए एक्सकवेशन में हावर्ड कार्टर को कुछ खासा आर्टिफैक्ट्स हाथ नहीं लगते, इसलिए इस एक्सकवेशन के इन्वेस्टर लॉर्ड कार्नवन हावर्ड कार्टर को फोर्स करते हैं कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का ही वक्त है कुछ बेश कीमती ढूंढने के लिए। इस बीच अगर उनको कोई भी बेशकीमती चीज नहीं मिलती तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। लेकिन तभी 4 नवंबर 1922 वैली ऑफ किंग नाम की जगह के आसपास खुदाई करते वक्त उन्हें एक कमरा मिला, और उस कमरे के अंदर जाते ही सभी एक्सकवेटर के पैरों के तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस जगह पर उन्हें काफी सोने के ट्रेजर मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी इस कमरे में एक और चीज थी जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। जी हाँ, एक चेम्बर जो कि पूरी तरह सील्ड था, जिसके अंदर थी किंग तूतन खामून की कब्र। और इस डिस्कवरी के बाद किंग तूतन खामून के मकबरे की खबर पूरी दुनिया में उड़ने लगती है, और तो और फिर जाकर एक्सकवेटर तूतन खामून के चेम्बर की सील तोड़कर ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनकी मम्मी के ऊपर स्टडी और रिसर्च कर सके। लेकिन शायद ही उनको ये पता था कि उन सब की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि जो 7 मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे इन एक्सकवेशन के पीछे, वो सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही बड़े रहस्यमय अंदाज में मौत के मुंह सो जाते हैं। सबसे पहले तूतन खामून की डिस्कवरी के बाद एक रात जब हावर्ड कार्टर डिनर करके लौटते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके रूम में उनकी कैनरी बर्ड जो कि केज के अंदर बंद थी, उसके केज के अंदर ही एक किंग कोबरा ने अटैक कर दिया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि ये किंग कोबरा एक सिंबल था फैरो तूतन खामून के टूम का। जिसके बाद लॉर्ड कार्नवन जो कि मेन फाइनेंसर थे इस एक्सकवेशन के, वो इस मकबरे की साइट का जायजा लेने जाते हैं। तभी वहां मौजूद एक मच्छर उन्हें काट लेता है, और उसके 1-2 दिन बाद ही एक्सीडेंटली वो इस मॉस्किटो बाइट वाले हिस्से के ऊपर शेव करते हैं,
और उसी जगह पर रेजर से कट जाता है और उनका ये जख्म इन्फेक्टेड हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो इस इन्फेक्शन से हुई ब्लड पॉइजनिंग की वजह से मौत के मुंह हो जाते हैं। जिसके बाद एक फेमस ब्रिटिश रेडियोलॉजिस्ट जब किंग तूतनखामून के मकबरे का एक्सरे लेने आते हैं और मम्मी को हैंडल करने के बाद ब्रिटिश रेडियोलॉजिस्ट बड़े अजीबोगरीब डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं जिसको ना तो साइंटिफिकली डायग्नोस किया जा सकता है बल्कि वो भी इस डिजीज से मर जाते हैं। और तो और धीरे धीरे करके इस एक्सकवेशन में शामिल टोटल 7 आर्कियोलॉजिस्ट एक एक करके मौत के नींद सो जाते हैं। अब एक साथ इतनी सारी मौतें होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम सभी लोग ये मानते थे कि इन आर्कियोलॉजिस्ट ने तूतनखामून के मकबरे में हाथ लगाकर बहुत बड़ा श्राप अपने सर पर ले लिया है। इसी वजह से पूरे दुनिया भर के न्यूज़पेपर में फैरो तूतनखामून के श्राप की बात हर जगह फैलने लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वजह थी तूतनखामून के श्राप की, क्या वो उनकी मौत से जुड़ी थी या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था। इसीलिए उस टाइम पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी फैरो की मम्मी पर कई और नई रिसर्च करी थी और इस रिसर्च में उन्होंने फैरो का स्कल पर फ्रैक्चर पाए और तो और उनकी स्कल में एक काफी बड़ा होल भी ऑब्जर्व किया। इसलिए उस टाइम के हिस्टोरियंस ने इन साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये अज्यूम किया कि फैरो को असैसिनेट किया गया है उस टाइम के उनके पॉलिटिकल राइवल्स के द्वारा। लेकिन हाल ही में 2006 में किंग तूतनखामून की बॉडी पर फिर से स्कैन किया गया और आज के रिसर्चर ने प्रूफ किया कि एक्चुअली में किंग तूत के स्कल पर जो फ्रैक्चर थे वो उनकी डेथ के बाद हुए थे, यानी उनकी मम्मी हैंडल करते वक्त। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या थी असली वजह किंग तूत की मौत की। जिसके बाद रिसर्चर्स ने उनके डीएनए सैंपल्स लेकर और उनकी बॉडी पर कई और रिसर्च करी जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि किंग तूतनखामून के मल्टीपल मलेरिया इन्फेक्शन था और तो और साथ ही उनके पैर में गैंग्रीन भी था और मलेरिया के इन्फेक्शन ने उनके पैर को काफी वीक कर दिया था और ये इन्फेक्टेड लेग ही असली वजह बनी थी किंग तूतनखामून की मौत की। लेकिन फिर भी आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी और साइंस में इतनी तरक्की होने के बावजूद भी ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि क्या असली वजह थी तूतनखामून की मौत की। लेकिन आज भी कई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ये क्लेम करते हैं कि तूतनखामून की मौत के पीछे असली वजह थी फैरो आई, जिन्होंने तूतनखामून को मरवाया था ताकि वो किंग तूत की गद्दी पर बैठ सके। और ऐसा हुआ भी था, किंग तूत की मौत के बाद अगले फैरो आई ही बने थे और इसके अलावा फैरो आई ने फैरो तूत को मरवाने के बाद उनके टूम को जानबूझकर श्रापित कर दिया था ताकि उनकी इस चाल का पता किसी को भी ना चल सके। लेकिन वहीं पर कई रिसर्चर्स इस श्राप को पूरी तरह मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो इस मम्मी के एक्सकेवेशन में शामिल था और उसे इस कर से मर जाना चाहिए था, तो इस लॉजिक से इस टूम के सबसे पहले खोलने वाले और इस एक्सकवेशन के मेन लीडर हावर्ड कार्टर की मौत इस कर से क्यों नहीं हुई और क्यों हावर्ड कार्टर इस एक्सकवेशन के 17 साल बाद लगभग 74 साल की उम्र में अपनी नेचुरल डेथ से ही मरते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या थी असली वजह किंग तूत की मौत की और क्या सच में फैरो की बॉडी श्रापित थी या नहीं? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।